push till I get up. Time is barely on our side. जय जिनेंद्र फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल टाइडी बक। तो चलिए बैठते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। तो जो हमारा फर्स्ट डीआईवाई है, आज के जो सारे डीआईवाई है वो मैं बनाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ वाइट सीमेंट। तो उसके लिए हमें चाहिए कपकेक क्लाइनर्स, जो सिलिकन के कपकेक क्लाइनर्स आते हैं वो। बस आपको कुछ नहीं करना है, वाइट सीमेंट लेना है, एक बाउल में लेना है, उसमें डालना है पानी और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और बस आपको ये जो पेस्ट आपने बनाया है वो आपको पोर करना है इन कप केक्स में। आपको कुछ भी नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलिकन के है तो बहुत ईजिली डीमोल्ड हो जाएंगे। तो बस मैंने दोनों ही सिलिकन मोल्ड में मेरा जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद एक सिलिकन मोल्ड में मैंने लगा दिया है ये टी लाइट। तो जी हाँ, हम लोग बेसिकली एक टी लाइट होल्डर बना रहे हैं। बहुत अमेजिंग बनेगा, इतना मस्त बनेगा ना। तो ये ड्राई हो चुका है, मैंने इसको एक दिन ड्राई होने के लिए रखा था। उसके बाद ये देखो कितना इजीली डीमोल्ड हो गया और इतना प्यारा शेप आया है इसका। मैंने ऐसे ही ढेर सारों बना के रखे हैं ताकि मैं इसका जो एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बना सकूँ। बस बनाने के बाद आपको सैंड पेपर के ऊपर इसको रब कर लेना है ताकि जो एकदम अनइवन सरफेस है वो पूरा इवन हो जाए। फिर हमें वापस जो वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाना है, वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी डाल के हमको एक पतला सा पेस्ट बनाना है। फिर एक एक के ऊपर लगा के हमको दूसरे को ऊपर स्टिक कर देना है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में हमको स्टिक करना है कि वो एक बहुत सुंदर सा पैटर्न बन जाए, टी लाइट होल्डर बन जाए, कुछ डिफरेंट सा बनेगा। ऑब्वियसली आपको ऐसा मार्केट में देखने को तो नहीं मिलेगा। तो बस जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपको, तो बस बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको बस एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है ये पेस्ट लगा के। बस आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। आप ऐसे कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने मेरे पास जो कप लाइनर्स थे, कपकेक लाइनर्स, जो भी शेप के मैंने उस शेप के बनाए हैं। तो मैंने बेसिकली तीन ऐसे बनाए हैं। एक मैंने बनाया है 5 का सेट, एक मैंने बनाया है 3 का सेट और एक मैंने बनाया है 2 का सेट। तो बस आप ऐसे ही इसको बना सकते हैं और इतना प्यारा लगेगा ना इसका फाइनल लुक। एक बार देखिए, उसके बाद इसके आगे प्रोसेस पे चलते हैं। तो अब हम इसे कलर करेंगे। कलर हम लोग ब्रश से करेंगे। ब्रश से हमें स्ट्रोक्स देना, ब्रश टूथब्रश वाला जो हम ब्रश करते हैं ना उसी से करना है। बहुत इजी प्रोसेस है। पानी में डिप करके आपको कलर लेना है उसके ऊपर और अपने थंब की हेल्प से उसको इसके ऊपर पूरा छिटक देना है। जैसे कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, नीचे कुछ रख लीजिएगा वरना पूरा फ्लोर भी गंदा होगा और आजू बाजू वाली सारी चीज़ें गंदी हो जाएगी। तो बस बहुत ईजी है। मैं उसमें थोड़ा सा ग्रेनाइट जैसा कुछ टच देने की कोशिश कर रही हूँ और इसका जो फाइनल लुक है वो देखिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो चलिए क्राफ्टी बक्स बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ। ये जब से मैंने पिंटरेस्ट पे देखा है ना, तब से मेरा इसको बनाने का मन था, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए तो मस्ट होता है। तो बस हमें एक ले लेना है यूज़ एंड थ्रो का डब्बा, जो भी हम डिस्कार्ड कर सके। बस उसके ऊपर मैंने एक डिओड्रेंट का जो ऊपर वाला कैप होता है उसको साइड में रखा है और इस पर डाल दिया है सीमेंट का पेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था। सीमेंट में जस्ट आपको पानी मिलाना और कुछ भी नहीं मिलाना, बस इसको थोड़ा टैप टैप करना है। फिर हमको लेना है सी शेल्स, जी हाँ, जो बड़े वाले सी शेल्स होते हैं ना वो।
और हमको इसको लाइक रखते जाना है, इस पर एक डिज़ाइन बनाते हुए, आपका जैसे मर्जी आए पैसे रखो। इसमें मैंने 2-3 छोटे छोटे सी शेल्स भी लगाए हैं और उससे भी छोटे लगाए हैं, मतलब एक मैंने अलग सा इस पर डिज़ाइन देने की कोशिश की है। और ये बनने क्या वाला है ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी आप फ़िलहाल इसका प्रोसेस इंजॉय करिए। और अगर एक भी DIY पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैंने यहाँ पे सारे शी सेल्स लगा दिया, मैं जो दूसरे शेप के वो भी इसके बीच बीच में जो स्पेस बचा है वहाँ पे लगा रही हूँ। पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जो भी अगर कोई आर्टिस्ट है ना उसको तो ये शेयर कर ही दीजिएगा, बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो बस मैंने इसको सूखने के लिए रखा था एक दिन, अब हम इसे कर लेंगे डी मोल्ड। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना डी मोल्ड करने के बाद। लेकिन मेरे साथ यहाँ हो गया एक हादसा, मैंने जो कप लगाया था ना वो निकालते वक्त ये टूट गया। पर कोई ना, हम भाई क्राफ्टर है, हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देते। तो मैंने इसको वापस उसकी जगह पर डाला जो डब्बा था उसके अंदर, और वापस पेस्ट डाल के मैंने इसके ऊपर कप रखा है। पहले मैंने नीचे से रखा था, अब मैंने इसके पेस्ट डालने के बाद ऊपर हल्का सा मैंने दबा के ये रखा है और फिर इसको एक दिन सूखने के लिए रख दिया। तो ये है इसका फाइनल लुक, सूखने के बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया। अब ये बना क्या है ये अब आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर हमने ये बनाया क्या है अमेजिंग सा चीज़। सरप्राइज सरप्राइज, ये है एक कलर पैलेट। जी हाँ, सी शेल्स का कलर पैलेट, कितना अमेजिंग है ना। और जो भी आर्टिस्ट है ना उनके लिए तो यार मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मस्ती लगेगा और मस्ट होना चाहिए। आप लोग भी अगर कलरिंग करते हैं या क्राफ्टर है या आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है तो ये एक तो बना ही लेना, बहुत ईजी है बनाने का प्रोसेस। और देखिए मैं इसमें आपको कलर करके भी दिखा रही हूँ कैसे आपको कलर डालना है। क्लीन भी हो सकता है ईजिली, क्योंकि हमने सीमेंट से बनाया है तो मेल्ट नहीं होगा। और इसके कप्स भी जो सी शेल्स है वो बड़े बड़े हैं, तो आराम से हम इसमें कलर भी डाल सकते हैं। ड्राई होने के बाद भी इस पर चिपकेगा नहीं कलर, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है शेल्स का वो कुछ ऐसा ही बना होता है। तो देखिए हमने कितना अमेजिंग पैलेट बनाया, मुझे तो ये इतना पसंद आया क्योंकि मुझे पर्सनली क्राफ्ट करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ मैं भूल गई थी कि वहाँ हम साइड में कप भी रख सकते हैं, कि उसकी वजह से मेरा पहले वाला सी शेल टूटा था। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं, इंजॉय करिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर दबा दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट DIY की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। आपको पहले एक 11 सेंटीमीटर का डायमीटर का सर्कल कट कर लेना है, फिर उसके ऊपर आपको कोई भी बॉटल रख देनी है। मेरे पास ये मेरे बेटे की बॉटल थी। उसके बाद आपको ले लेना है एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर आपको पानी छिटकना, आपको ब्रॉड वाला जो कार्डबोर्ड होता है ना वो लेना है। फिर पानी छिटक के आपको इसके ऊपर की जो एक शीट परत होती है उसको निकाल देना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा ज़िगज़ैग वाला पैटर्न चाहिए इसके लिए, जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसके लिए। तो बस आपको ये सारा हटा के उसके बाद का प्रोसेस क्या है हम आगे देखते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं हम सारे को। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा गिफ्ट करने के बाद भी। तो हमारा ये रेडी हो चुका है, हमने इसके ऊपर वाला लेयर हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो सर्कल कट किया था ना, ये सर्कल भी मैंने अपने बॉक्स के बॉटल के हिसाब से कट किया। तो आपके पास जो भी बॉटल है आप उसके थोड़ा सा 2 इंच बड़ा सर्कल कट करें। तो बस आपको नीचे ग्लू गन लगाते हुए इसको रोल करते जाना है, और जो ज़िगज़ैग वाला पैटर्न है वो आपको अंदर की साइड रखना है, जैसे कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। बस आपको इसको अच्छे से सर्कल के ऊपर लगा देना है, और जो भी एक्स्ट्रा उसको कटआउट करके, और जो फाइनल जहाँ पे जॉइंट हो रहा है ना वहाँ पे हम लोग मास्किंग टेप लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे। बस
फिर से क्या करना है, इसके अंदर रखनी है बॉटल और पोर करना है हमको सीमेंट का पेस्ट। इसके जो माउथ तक हमको ये सीमेंट का पेस्ट पोर करना है, पूरा फिल करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और इसको भी आपको मतलब 24 आवर्स तो ड्राई होने के लिए छोड़ ही देना है। मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ा था क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, इसमें बहुत सीमेंट लगा है। और हाँ बता दूँ, इसमें मुझे करीबन 1.5 पैकेट सीमेंट लगा है, 1.5 किलो सीमेंट। तो बनाएं तो उससे पहले उतना सीमेंट ला के रखें। तो बस ये ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर का जो सारा कवर है वो, तो ड्राई होने के बाद इसके ऊपर वाला कवर हम पूरा हटा देंगे। अच्छे से हटाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसका थोड़ा थोड़ा जो कार्डबोर्ड है वो रह गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जैसो। अगर आपको कोई कलर भी करना है तो आप कर सकते हैं, पर मुझे पर्सनली वाइट ही रखना था इसको, तो मैंने इसको पूरा कलर कर दिया है। अब आप इसको एज अ डिस्पेंसर भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर का कैप लगा के, पर मैंने इसको डिस्पेंसर जैसे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको एज अ वास यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने जो ड्राई वीट ग्रेन्स की जो स्टिक्स होती है वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और इतना प्यारा जो फ्लावर वास लग रहा है ना, कहीं पे भी रखेंगे आप बहुत बोहेमियन लुक देगा, बहुत ही एस्थेटिक लुक देगा। तो इसका भी फाइनल लुक देख लीजिए एक बार। तो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं एंड होता है। होप्स आप लोग को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मेरे लिए वो बहुत 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 मायने रखता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है इन सब से। तो अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगली वीडियो पे मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। आपके पास अगर कुछ आइडियाज़ है, आप कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसे रिक्रिएट करूँगी। तो बस इसी नोट के साथ वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।